कि टेबल पर पैर रख के सो रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ये नाकामयाबी है। जब सरफराज यहाँ पे रिपोर्टिंग किया, अच्छा ये बताइए सर, अभी बिहार का शिक्षा मंत्री चेंज हो गया, पता है कौन बना है? हाँ सुनने में आया है सर, वो तेजस्वी तेजस्वी यादव बने हैं ना। झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है सर? हम नहीं जान रहे हैं सर। नहीं जान रहे हैं सर, माइक मत ठेलिए सर, माइक जानते हैं सर, माइक नहीं ठेलने का, प्लीज हमको माफ कीजिए। नमस्कार, मैं वारियन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम उसी स्कूल में मौजूद है जिस स्कूल में सरफराज धागड़ रिपोर्टिंग किया था। सरफराज अभी हमारे साथ है। सरफराज इसी स्कूल में रिपोर्टिंग किया था ना? जी। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। तुम्हारे कारण यहाँ पे चापाकल गल गया, कई सारे काम हो गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। आओ चलो टीचर से बात करते हैं, भी टीचर यहाँ सोए हुए थे। सर एक बात बताइए, पहले कैमरा मत टच कीजिए। एक बात बताइए सर, यहाँ पे आप किस पद पे हैं? विद्यालय संचालन पे हैं। अभी जब हम लोग आए थे तो आप जो है ना टेबल पे पैर रख के सो रहे थे। नहीं, वो सर में थोड़ा दर्द था ना सर, इसलिए हम बैठे। सर ड्यूटी टाइम पे अगर आप टेबल पे पैर रख के सोएगा, अगर आपका पैर नीचे होता हमको कोई एतराज नहीं था, लेकिन आपका पैर टेबल पे था। गलती यहाँ बोलिए सर, गलती कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बोलिए, गलती हो गई यहाँ बोलिए। फिर आप माइक को मत छुइए। सुनिए ना, माइक कहाँ सो रहे हैं? आपने देख, एक बार दिखा दो। ये कुर्सी पर बैठे हुए थे, टेबल पे पैर था, इधर दिखा दो, टेबल पर पैर था सर का, असर ऐसे मुंडी पे लेकर पूरा नींद मार रहे थे। सर में दर्द है सर, इसलिए हम बैठे हुए हैं, और अब सभी बच्चा तो बैठा हुआ है ना। आप गलती गच रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल गलती गच। कैमरे पे बोलिए कि सॉरी गलती हो गया। सॉरी आपसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, कैमरा में आ रहा, आपको बोलना ही पड़ेगा सर, आपको बोलना पड़ेगा। आप गलती गचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सर में दर्द था ना सर, इसलिए हम बैठे हुए थे। तो सर सर में दर्द रहेगा, सर टेबल पे पैर रखिएगा। ना टेबल पे पैर नहीं था सर, वो अभी हम दिखा दें सर, अभी हम दिखा दें, हो गया होगा, अभी दिखा दे फुटेज हम। ना हो गया, अभी गलती गचिए, हो गया, गलती गचिए। हाँ गलती हो गया, पैर था ना यहाँ पे? हाँ हो गया होगा। हो गया नहीं, था कि नहीं था? हाँ था, मतलब जाके गलती था ना। देखिए गलती गच रहे हैं कि टेबल पर पैर रख के सो रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ये नाकामयाबी है। जब सरफराज यहाँ पे रिपोर्टिंग किया, फिर भी टीचरों को सीख नहीं मिला कि हम कैसे विद्यालय को संचालित करें। गलत बात है सर, गलत बात है, बहुत बड़ा गलत बात है सर। सुनिए ना सर, अब मेरा सर में दर्द है। कौन सा पीरियड है सर? तबीयत खराब मेरा चल रहा है अभी। कौन सा पीरियड है सर? क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा घंटी है अभी? अभी जनरली पढ़ा रहे हैं सर, घंटी वंटी वाइज नहीं हुआ यहाँ अभी। ठीक है, मतलब इतना कुछ होने के बाद? सुनिए ना, वो पुराना टीचर जो था वो घंटी वाइज नहीं बनाया है। ठीक है, घंटी वाइज अगर बना लेता तो उसी आधार पे चलता। तो हम अभी हमको जैसे रिपोर्ट, अच्छा नया कार्यरत अभी आप हुए हैं? नया कार्यरत? हाँ फिलहाल में हमको दिया। सोच लीजिए टीचर नया आए हैं, फिर भी पैर जो है ना ऐसे पसार के सो रहे हैं कि लगता है कि यहाँ के जागीर है पूरा। ये तो गलत बात है सर ना। आप लोग भी सर किसी को नहीं बख्शिएगा दुनिया में? क्या बख्शने की बात नहीं सर, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है सर। ड्यूटी में आपको पैर नीचे रखना चाहिए कम से कम। विद्या की देवी स्कूल में आए हुए हैं और आप पैर ऊपर रख रहे हैं। तो बोल दे ना, आप जो बोलने के लिए बोले ना कि नहीं बोले? गलत बात है सर, आप गलत बात है। आपने जो कहा सर पैर लग रहे हैं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक बात बोले सर, ये गलत बात है सर। आप जो बोलने के लिए बोले हम बोले नहीं, आपसे हम क्षमा चाहते, गलत बात है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, गलत बात है। बाबा ये बताइए, बाबा क्लोज ले लो, बाबा ये बताइए, स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है और सर टेबल पर पैर रख के सोएंगे, ये गलत बात नहीं है? ऐसा करता नहीं है, ऐसे बच्चे को खोज के ही लाता है, ऐसे नींद आ गया होगा। नहीं सर, तबियत दर्द दर्द है। एक मिनट सर, हम चाहेंगे आपसे, बोलिए बोलिए, कि आप कम से कम अभी से अपने आप पे सुधार कीजिए और ड्यूटी के टाइम पे, सुनिए सर, कम से कम ड्यूटी के टाइम पे आप अच्छे से ड्यूटी कीजिए ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग पढ़ते हैं, आप भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, कम से कम चाचा को पूछिए तो मेरे बारे में। साहब जी ठीक है सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपने गलती किया, प्लीज उस गलती को ना करें आप। ठीक है, कम से कम आप तो हमको गछवाइये दे रहे हैं, आप 1000 बात बोलना, हम बोलना था आप तो सर उसको तिल कर बना रहे। ठीक है, कुछ बच्चों से बात करते हैं हम। किस क्लास में पढ़ती है? तीसरा। थ्री में पढ़ती है? क्या क्या पढ़ाई हुआ अभी? क्या क्या पढ़ाई हुआ? देखिए बच्चों को मैं नहीं मालूम है, अभी तक शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब दुरुस्त नहीं है, ख़राब चल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा घंटी है, ये अभी पता नहीं बच्चों को। अच्छा सरफराज एक बात बताओ, क्लास में सर अगर पैर टेबल पे रख के सोएंगे तो सही बात है कि गलत बात है? नहीं गलत तो है। गलत बात है ना, सर को सीख लेना चाहिए ना। वैसे सोया था लेकिन हम देखे नहीं थे।
ये सोया नहीं था लेकिन सर इसको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, आप लोग तुलसी बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए सर, ठीक रहेगा। आपने आपको गलती हम कर रहे हैं, आप जो बात बोलने के लिए नहीं, तो हम सरफराज से इस चीज को पूछ रहे हैं, सरफराज से इस चीज को हम पूछ रहे हैं, इस चीज को पूछ रहे हैं क्या सर, क्या सर? भैया एक बात बताइए, आप इसी गाँव के ग्रामीण है? हम एक गाँव के नहीं, आप इस गाँव के नहीं है, चलिए गाँव के नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल है कि क्लास में अगर पढ़ाई होता है तो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए कि टेबल पर पैर रख के सोना चाहिए? शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए ना सर, सो रहे थे उसी बात को हम कहे तो क्या गलती कर दी है? ये तो आपको सही बात है, और उसको पूछो हैं, इसमें बड़ा बात कौन सा, अगर वो सोएगा उसको पूछो, हमारे पास फुटेज है, जब हम फर्स्ट टाइम आए इधर से देखे सो रहे, हमने फुटेज ले लिया था। नहीं सर, जान के आप छुट्टी लेके घर चलाइए, घर चले जाइए सर, क्या करेंगे, अकेले है ना, हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं? अच्छा इस स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं? टोटल कितने? 62 बच्चा का एडमिशन है, 62 बच्चा का एडमिशन है, और टीचर कार्यरत कितना है यहाँ पे? 1 है, अभी हम फर्स्ट है। अच्छा एक ही टीचर? एक ही टीचर, एक टीचर और 62 बच्चा, 62 बच्चा। कितने क्लासरूम है यहाँ? 5 क्लास का चलता है यहाँ। माथा में तो दर्द होबे करेगा सर, 5 को क्लास है, 5 क्लास है, माथा में तो दर्द होबे करेगा, 5 क्लास है सर, 9 घंटी बनाया पहला, 9 घंटी वाई जो बोला। चलिए आपकी बात को मान रहे हैं हम सर, एक दो बात आपसे सर, सुनिए ना, हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 2-4 मिनट समय लेंगे, बोलिए ना, आप जितना बोलिए बोलिए, लेकिन बोलिए, 2-4 सवाल है, हाँ बोलिए सर। सरफराज जब वायरल हुआ, ठीक है, यहाँ जब रिपोर्टिंग किया, थोड़ा सा भैया साइड हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ रिपोर्टिंग किया, सरफराज जब वायरल हुआ, क्या इस स्कूल का पहले से स्थिति थोड़ा सा भी चेंज हुआ है? बहुत चेंज हो गया, सबसे पूछिए, पूछिए बड़े बुढ़ा चाचा से पूछिए, पूछिए नहीं, हम पर्सनली पूछ रहे हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं, क्या क्या चेंज हुआ वो बताइए। पढ़ाई में चेंज हुआ, समय पे आता है, साफ सफाई हो गया है, खाना बढ़िया मिल रहा है। अच्छा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बिहार में कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक अनाज को मिड डे मील वाला बेच देते हैं, यहाँ तो वो नहीं होता ना? ना मेरे सामने तो नहीं हुआ है। आपके सामने नहीं हुआ, इससे पहले कहाँ कर रहे थे आप? हम उत्तराखंड मध्य विद्यालय जटामा में। अच्छा जटामा में ये सब हो रहा था? ना ये भी नहीं हो रहा, वहाँ भी नहीं हो रहा था। हम कहीं भी जाते हैं ना, सब टीचर यही बोलते हैं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहता, चावल नहीं बिक रहा मेरे यहाँ। हम जिस जैसे जटामा विद्यालय है ना, वहाँ बच्चा जन्मीन आता है, जन्मीन पढ़ाई होती है, दूसरी बात की वहाँ चावल वोल बिक्री का नाम निशान नहीं है, वहाँ जन्मीन होता है, 7 टीचर है, मेडिकल उत्कर्मित हुआ है, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा ये बताइए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, चारों बगल बाउंड्री वॉल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बच्चे कभी भी क्लास से बोलेंगे सर मे आई गो टू टॉयलेट, घर चल जाएंगे, घर चल जाएंगे, घर चले जाता है। इसलिए क्या इसके लिए कोई पहल उठाया जा रहा है यहाँ बनाने के लिए कोई? ना अभी तक तो कोई पहल नहीं सुनने में आया हमको जब से आए। अच्छा एक बात बताइए, अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर रेड मारने का अगर काम करेंगे तो रोडवे पर गाड़ी लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा सर, यहाँ तो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लोग कभी मांग किए रास्ता के लिए? सर हम इस बस्ती में क्या मांग करेंगे, वो तो सरफराज कर ही दिया, बहुत कुछ कर रहा बेचारा सरफराज, तो बहुत कुछ किया सरफराज, आ जाओ सामने आ जाओ सरफराज, देखो देखिए स्कूल रोड मांगिए रहा है, स्कूल आने से सरफराज डर रहा था, हम बोले चलो सर से हम लोग बात करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भैया आप बगल हो जाइए ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब सरफराज जाके हम लोग के साथ आया। क्या सरफराज ये बताओ, स्कूल में जो चेंजेज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अभी शिक्षक को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो कि सर बोल रहे कि 62 बच्चा पे एक मास्टर, कम से कम जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि 62 बच्चा पे 4 या 5 क्लासरूम है, उस पे एक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, सही बात है कि नहीं? ये तो मास्टर बाद में आया, लेकिन पढ़ाना और मास्टर होना चाहिए यहाँ, और मास्टर होना चाहिए, इतना बच्चा में एक शिक्षक भला क्या करे, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, टीचरों के साथ भी धोखाधड़ी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन टीचरों को मैं ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम घंटी के टाइम पे आप जो है ना बच्चे को सही से अगर 10 मिनट टाइम दे देंगे ना, 10 मिनट अगर सही से होमवर्क दे देंगे ना, बेचारे बच्चे 40 मिनट जरूर है कि उसको करेंगे और पढ़ेंगे। कर रहा है ना सर, वो करिए ना, पूछिए ना सरफराज को, पूछिए कितना टाइम पे आते हैं, कितना पूछिए। अच्छा सर आज आप क्या क्या पढ़ाएं बच्चों को? आज अभी हिसाब पढ़ाएं बच्चे को। क्या हिसाब पढ़ाएं सर? क्या हिसाब में क्या पढ़ाएं? ये लघुत्तम बताए हैं, हाँ, और जोड़ भी बताएं, जो बच्चा जोड़ के काबिल है जोड़ बताएं, जो बताए एलसीएम के काबिल है एलसीएम बताएं, और गणित में बताएं बढ़ते क्रम घटते क्रम बताएं बच्चे को। अच्छा ये बताइए सर, अभी बिहार का शिक्षा मंत्री चेंज हो गया, पता है कौन बना है? हाँ सुनने में आया है सर, वो तेजस्वी तेजस्वी यादव बने हैं ना सर, मतलब बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो तेजस्वी यादव बने हैं। अच्छा डिप्टी सीएम कौन बना है तब? वही तो बना है डिप्टी सीएम सर, शिक्षा मंत्री भी वही है डिप्टी सीएम भी वही है। अभी तो वहाँ हौजपोच चल रहा है, तो बिहार का हमको क्या उतना ध्यान नहीं दिए हैं, मतलब वो बदला है तो अभी और
कौन बनेगा, डिप्टी सीएम हम सुने हैं, तेजस्वी यादव बन चुके हैं। हाँ, और अब शिक्षा मंत्री कौन बना है सर? हमको इतना मालूम नहीं उनके बारे में, अभी तो आप बता रहे थे क्लियर नहीं हुआ ना, हम क्या बताएं मतलब अभी तक, मतलब कि क्लियर नहीं हुआ है नहीं। मतलब आपको क्लियर नहीं हुआ कि वहाँ पटना में क्लियर नहीं हुआ? हाँ हुआ कि नहीं, हमको क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, हम अभी उसका मतलब जो पूरा अध्ययन नहीं किए हैं, अध्ययन नहीं किए हैं। तो कैसे आप बता दिए कि तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री हैं? डिप्टी सीएम बोल रहा था ना सर, ऐसे पहले शिक्षा मंत्री नहीं, सॉरी ऐसी बात नहीं बोलेंगे सर, डिप्टी सीएम हम बोलेगा नीतीश कुमार के बाद। अच्छा, किस सब्जेक्ट के टीचर है सर? किस सब्जेक्ट? हम उर्दू सब्जेक्ट के टीचर हैं। उर्दू के टीचर, लेकिन मैं तो पढ़ा लेते हैं। हाँ, पढ़ा इंग्लिश लेते हैं। पढ़ा लेते हैं। हाँ, पढ़ा लेते हैं। मल्टीफंक्शनल है, मतलब इसीलिए तो 62 बच्चा को अकेले संभालने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं, सुनिए ना सर, मैट्रिक तक जो है ना पढ़ाई जो है ना जनरल होती है, सब आदमी को मालूम है। मैट्रिक तक, मैथ तक चलता है, ठीक है, उसमें आप मैट तक तो जनरल सब्जेक्ट हुआ। अब मैट्रिक से आगे जो बढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट कोई रखता है साइंस, कोई आर्ट्स रखता है, कोई बायोलॉजी रखता है, कुछ रखता है, सब कुछ सर बढ़िया सर, सब कुछ बढ़िया है। कम से कम अगर हमारा पदाधिकारी बदल रहा है, आप अगर शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जो शिक्षा का हेड कौन है कम से कम ये पता होना चाहिए सर, कम से कम ये पता होना चाहिए। तो वो बिहार है सर, ये झारखंड है। तो बिहार का नहीं पता रहेगा सर? रहेगा, ऑल इंडिया का पता रखना चाहिए। झारखंड का कौन है सर? हम कहाँ कर रहे हैं। हेमंत सोरेन कौन है सर? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है अभी, उसका लड़ाई चल रहा है। मुख्यमंत्री है कि मुख्यमंत्री से हट गया है? अभी तो उनकी लड़ाई चल रहा है सर, हम क्या बताएं उसके बारे में अभी। हम क्या बताएंगे डिप्टी सीएम सर, आप लोग सवाल करते हैं, हमको लगता है 80,000 तनख्वाह दीजिएगा क्या? तो सर 80,000 तनख्वाह दीजिएगा, बोलिए हमको सरकारी नौकरी में बहाल कीजिए, हम आपको हर सवाल जवाब देंगे। अच्छा सर, सर हाँ सरकारी ने पढ़ा ये है, इतना सवाल नहीं पूछे। अच्छा, पचमा तक है सर, दीजिएगा 80,000, 1,80,000 सर, टेंशन नहीं लेना है अभी, टेंशन नहीं। आप लोग ऐसा सवाल करने लगे शिक्षा के, मतलब की सर कुछ आप, होना चाहिए इसके अंदर। आप सर शिक्षा जगत के गुरु हैं। हाँ, तो क्या हो गया? आपको कम से कम कोई महान है क्या? महान कोई नहीं है किसी में, आप महान है क्यों किसी लेकिन, में लेकिन हमारा जो जनरल टर्म है वो हमको पता होना। हाँ, तो जनरल टर्म आप बताइए ना, मैट्रिक तक है सब्जेक्टली, इंग्लिश है, हिंदी है, हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैथ है, लोकल साइंस है। एंटर के बाद आप जाइएगा तो क्या होगा जानते हैं? अच्छा, सब्जेक्ट बदलना होगा। झारखंड का, झारखंड का एक भी जवाब नहीं देंगे क्या? हमको नौकरी दीजिए 1,20,000 का, तो सरकारी में बदल दीजिए, हम सब जवाब दे रहे हैं। सर पैसा के लिए काम कर रहे हैं सर आप, तब क्या के लिए? दुनिया कैसे, किसके लिए काम करता है? खून पसीना किसके लिए करता है? एक जो करता है खून पसीना किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है? पैसा के लिए कर रहे थे सर, बताएंगे भी तो सर, सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा सर, सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा सर। हाँ सर, आपका जो आप जो जेन्युइन सवाल लगा उसको हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। हम सर दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ नहीं रहे, हम बोले क्या कि झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है? तो हम तो बताइए रहे कौन है, कौन है झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है सर? हम नहीं जान रहे हैं सर। नहीं जान रहे हैं सर, माइक मत ठेलिए सर, माइक जानते हैं सर, माइक नहीं ठेलने का। प्लीज हमको माफ कीजिए, आप जाइए भाई जो करना कीजिए। इतना देख लीजिए सर, प्राज जहाँ रिपोर्टिंग किया है वहाँ पे सर सवाल का जवाब मतलब नहीं देना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है, आता नहीं है, फिर भड़क गए। अब इनका अपना पर्सनल मैटर है, आइए बाकी हम स्कूल बाहर से दिखा देंगे कैसा। आज सरफराज आ जाओ बाहर, होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बॉल जो है ना सही तरीका से नहीं है यहाँ पे, ये बाउंड्री बॉल बनना चाहिए। और बाकी मिड डे मील कहाँ होता है जरा एक बार अपने से तुम बता दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने से बताओ क्या, अपने से बताओ क्या क्या है यहाँ पे, अपने से बताओ, पकड़ो नहीं अपने से बताओ तुम, मिड डे मील वगैरह बताओ साथ में घूम के। आ जाओ रंजन आगे से लो, मिड डे मील इधर है। बाथरूम के बारे में बताओ, बाथरूम तो ठीक हो गया, देखिए बताओ जैसे बता रहा था रिपोर्टिंग में, यहाँ जो बाथरूम है बहुत अभी तो ठीक हो गया है। अच्छा अभी ठीक हो गया है। हाँ, क्या क्या ठीक हुआ है? चापाकल ठीक हुआ और साफ सफाई ठीक हुआ है, मास्टर भी अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन आज सो माथा दर्द करने के वो सो गया था। अच्छा माथा दर्द करने के कारण सर जी सो गए थे, चलिए कम से कम बढ़िया बात एक तो है कि यहाँ पे चापाकल बन गया है, चापाकल आप देख सकते हैं। सरफराज बाकी हमारे साथ रिपोर्टिंग में मदद कर रहा है, यहाँ चापाकल बन गया है। बाकी क्लासरूम वगैरह का भी स्थिति जो है ना ठीक ठाक है, और देखते अगर आपको कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप यूट्यूब पर देखना चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देखने पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।